Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see another instrument, that is uterine sound. Okay, तो इसके नेम से पता चल रहा है कि इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यूट्रस के अंदर यूज़ करेंगे. यूट्राइन साउंड है, इसका मतलब इसे यूट्रस में यूज़ किया जाएगा. ओके, तो यूट्रस में यूज़ किया जाएगा तो क्यों यूज़ किया जाएगा? क्योंकि इससे हमें यूट्रस की लेंथ पता चलेगी, यूट्रस का डायरेक्शन पता चलेगा. नॉर्मली हमारा यूट्रस कैसा होता है, आगे की ओर बेंड होता है. अभी अगर मैं स्ट्रेट बैठी हूँ तो मेरा यूट्रस स्ट्रेट नहीं है, मेरा यूट्रस इस तरह से है, ठीक है, आगे की ओर बेंड है. अगर मैं साइड लाइन पोजीशन में हूँ, अगर मैं इस तरह से घूम जा रही हूँ तो मेरा यूट्रस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो अभी मैं कैसी हूँ, ऐसी हूँ, तो यूट्रस कैसा है, ऐसे. क्लियर हो गया, ठीक है. तो अभी हम इसे इंसर्ट करेंगे और ये पता करेंगे कि यूट्रस की लेंथ कितनी है. अब इसे इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, ये एक तरह से डायलेटर का भी काम करता है. दिस इज, यू कैन से दैट इट इज़ अ फर्स्ट डायलेटर. मतलब यूट्रस के अंदर अगर आप डालोगे तो सर्विक्स को क्रॉस करके अंदर जाएगा, तो सर्विक्स को ओपन करने का काम करेगा, ठीक है, सर्वाइकल डायलेटेशन में हेल्प करेगा. इसके अलावा हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो यूट्रस है वो नॉर्मल शेप में है या नहीं है, ठीक है. किसी का यूट्रस हो सकता है पीछे की ओर बेंड हो, राइट, दैट इज़ नोन एज रेट्रोफ्लेक्शन. नॉर्मली हमारा यूट्रस कैसा होता है, एंट्रीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड, ठीक है, ऐसे होता है. किसी का यूट्रस स्ट्रेट तो नहीं है या पीछे की ओर बेंड तो नहीं है, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस हम पता करेंगे, लेंथ ऑफ द यूट्रस हम पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस हम पता करेंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ द यूट्रस हम पता करेंगे. ये सारी चीज़ें पता करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका हैंडल है, ठीक है, वो ब्रॉड है, लेकिन आगे की तरफ से ये कैसा है, ये आगे की तरफ से बेंड है, क्योंकि यूट्रस आगे से बेंड होता है. तो सिंपल सी चीज़ है, ये कैसे इंसर्ट किया जाएगा, इसी तरह से इंसर्ट किया जाएगा और यूट्रस के अंदर ये फिट हो जाएगा, ठीक है. तो जब आपको कॉपर टी डालनी है तो कॉपर टी डालने के लिए आपको यूट्रस की लेंथ पता होना चाहिए, तो भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके यूट्रस की लेंथ पता करते हैं. अलग अलग वुमेन की अलग अलग यूट्राइन लेंथ होती है. नॉर्मल यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है. तो इसके ऊपर जो है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स में रीडिंग दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो जब हम लोग मेज़र करेंगे तो जितना भी ये इंसर्ट होगा उतना ही लंबा यूट्रस होगा, ओके. तो इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, सिम्स वजाइनल स्पेक्युलम, ठीक है, क्योंकि विदाउट सिम्स वजाइनल स्पेक्युलम आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं. तो सिम्स कैसे आप यूज़ करोगे, सबसे पहले आपको सिम्स को लेटरल पोजीशन में इंसर्ट करना है वजाइना के अंदर, उसके बाद इसे घुमा लेना है इस तरह से, ठीक है, और वजाइना को इस तरह से नीचे की ओर बेंड करना है. जब वजाइना को नीचे की ओर बेंड करोगे तो आपको अंदर का पूरा एरिया दिख जाएगा, ठीक है, अंदर का पूरा वजाइना का लेंथ और आपको सर्विक्स एरिया आपको दिख जाएगा, ठीक है. जैसे ही आपको ये दिखेगा आपको क्या करना है, सीधे सीधे यूट्राइन साउंड को इंसर्ट करना है, ठीक है. कैसे इंसर्ट करना है, जैसे आपका यूट्रस है, ठीक है, ऐसे यूट्रस है आपका, ऐसे इस टाइम पे, तो आपको यूट्राइन साउंड को ऐसे ही इंसर्ट करना है. सबसे पहले आप सर्विक्स तक इंसर्ट करोगे और वजाइना की लेंथ पता कर लोगे, ठीक है, वजाइना की लेंथ पता कर लोगे. मान लो वजाइना की लेंथ आई आपकी, कितनी आई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है. आपने इसको इंसर्ट किया, सर्विक्स तक इंसर्ट किया, सर्विक्स तक इंसर्ट करने पे आपको वजाइना की लेंथ कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मुझे इसकी लेंथ मिली है 10 सेंटीमीटर. अब मैं आगे की तरफ इंसर्ट करूँगी और सर्विक्स से लेकर के इसको अंदर की तरफ ऐसे डाल दूँगी. जहाँ तक ये आराम से जा रहा है वहाँ तक आपको इंसर्ट करना है, ज़बरदस्ती आपको इसको इंसर्ट नहीं करना है, बहुत जेंटली आपको इसको इंसर्ट करना है, ठीक है. तो अब इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आया है हमारा. अब इसकी टोटल लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ठीक है. तो वजाइना की लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, फिर हम लोग ने यूट्रस के अंदर डाला,
फिर कितनी लेंथ आई टोटल 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से माइनस कर दो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वजाइना की लेंथ को माइनस कर दिया टोटल लेंथ से, तो कितनी लेंथ बची, केवल यूट्रस की लेंथ बची। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर ये थी, टोटल लेंथ थी 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितनी बची, केवल 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस वूमेन का जो यूट्रस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर इन दी लेंथ है। ठीक है, ऐसे आप यूट्रस की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। इसके अलावा मान लो अगर ये यूट्रस एंटीवर्टेड ना होकर के स्ट्रेट होता, ठीक है, स्ट्रेट होता तो ये आपका इंसर्ट होता और इस तरह से एक जगह पे फंस जाता है ना, या हो सकता है कि पूरा अंदर चला जाता तो लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती, तो आप समझ जाते हैं कि इसकी लेंथ ओवर है, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, मान लो इस वूमेन का यूट्रस पीछे की ओर बेंड होता, फंडस एरिया इसका पीछे की ओर बेंड होता, तो अगर आप यूट्राइन साउंड अंदर डालते तो ये यहीं पे अटक जाता, अंदर की तरफ जाता ही नहीं। तो आप समझ जाते कि रेट्रोवर्जन का केस है, यानी कि जो फंडस है वो पीछे की ओर बेंड है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इंसर्ट करेंगे। सिम्स वजाइनल स्पेक्युलम को पहले लेटरल पोजीशन में अंदर डालेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से रोटेट कर देंगे, रोटेट करने के बाद नीचे की ओर बेंड करेंगे। जब नीचे की ओर बेंड करेंगे तो आपको वजाइना और सर्विक्स आराम से दिख जाएगा। दिखने के बाद आपका एक असिस्टेंट इसको पकड़ा रहेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यूट्राइन साउंड को इंसर्ट करोगे। कैसे इंसर्ट करोगे, जैसे आपका यूट्रस है, ठीक है, ऐसे है आपका यूट्रस, तो आपको यूट्राइन साउंड को ऐसे डायरेक्टली इंसर्ट करना है। पहले आप सर्विक्स तक लेके जाओगे और वजाइना की लेंथ देख लोगे, 10 सेंटीमीटर आई थी, फिर आप सर्विक्स के अंदर तक लेके जाओगे, टोटल लेंथ देख लोगे, आपकी 17 सेंटीमीटर आई थी टोटल लेंथ, वजाइना की लेंथ को टोटल लेंथ से माइनस कर दोगे, यानी कि 17 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से माइनस कर दोगे, केवल बचेगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। मान लो इसकी लेंथ और ज़्यादा आती तो 10 सेंटीमीटर को, ठीक है, उस लेंथ से माइनस करते तो जितनी भी लेंथ आती वो इसकी यूट्रस की लेंथ निकल के आ जाती। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।